हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सौरग जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि है जेई के लो रैंक पर और आपको डायरेक्ट या फिर खुद के कुछ स्टूडेंट्स के बेस पे को एडमिशन दे रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, और ये जस्ट लाइक इसे उत्तराखंड की सौरग यूनिवर्सिटी कह सकते हैं तो भी कम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ का देख सकते हैं कल्चर क्या होगा। ठीक है ना, वेरी वेरी एक्साइटिंग कल्चर। ठीक है, और इसके कुछ कैंपस श्रीनगर के अंदर भी है। ठीक है, तो वेरी आप देख सकते हैं, फोटो देखिए क्या गजब का फोटो है, नहीं एकदम सुंदर फोटो है। ओके, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो है एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आ गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिनके जेई के अंदर भी कम रैंक आ रही है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसका क्या सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है करना है। ओके, तो जस्ट लाइक एप्लीकेंट्स नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और टाइप मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स अगर आप। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी है और ये उत्तराखंड के अंदर है। एच एन पी गढ़वाल नगर गढ़वाल और जो भी पहाड़ी इलाका टाइप टाइप होता है इसमें बहुत ही अच्छा। जिनके भी जेई के अंदर लो रैंक होती है वो टारगेट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ का जैसे फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बच्चों इसका जो फॉर्मेट है वो जस्ट लाइक ये जो है इसमें वर्ड पेड में शेव हो गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख कर सकते हैं। इसकी फीस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ की जो बी टी ए की जो फीस है वहाँ पर सिर्फ 11,000 रुपये। ओके, ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया ये 11,000 रुपये के अंदर बी टी ए, वो भी एक सेमेस्टर की, यानी कि आपकी एक साल की फीस होने पर बी टी ए की 20,000 रुपये, यानी 22,000 रुपये के अंदर आपका बी टी ए एक साल कंप्लीट हो रहा है। तो क्या बात है, 1,00,000 रुपए के अंदर पूरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और लाखों करोड़ों का पैकेज ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी फीस जो है वो बहुत ही कम है। ओके, जैसे अगर बी फार्मा वगैरह इसकी थोड़ी कॉस्टली है ट्यूशन फीस, तो इट्स कंफर्टेबल, वेरी लो फीस और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग, अगर मुझे मौका मिले तो जा सकता है। तो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अगर इसके अंदर अगर जो है इसके अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज वगैरह की बात करेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेन कैंपस के अंदर के ये साक्षा रिपोर्ट आप वीडियो को कोर्स करके देखते हैं। अगर हम बी टी ए की बात करें तो बी टी ए जो है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस होटल मैनेजमेंट और कार्टरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो वेरी गुड। तो बच्चों, तो जैसे अगर हम आगे बढ़े बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और बैचलर ऑफ लॉ के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस के अंदर है, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी के अंदर है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत सारे कोर्स लिखे रहते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट 1 ईयर सेकेंड सेमेस्टर, इसके अंदर डिप्लोमा करा रहा है, रिसर्च कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिल रहे हैं। अगर आपको एरोस्पेस एरोनोटिकल मैनेजमेंट एरोनोटिकल एरोस्पेस गवर्नमेंट कॉलेज और ओपन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोग्राम की बात करें तो अभी जैसे के अंदर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इसके लिए फॉर्म ओपन हुआ है। ठीक है, इसमें जो है जो पीजी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कोई कभी कंडीशन वगैरह नहीं दिए, कोई फॉर्म वगैरह नहीं निकाला, लेकिन इसके लिए निकाल दिया है। तो बाबा, अगर आपको एडमिशन लेना हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो नीचे आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग फीस 1,49 रुपीज़,
999 रुपये हम लगभग 60 से 70 लाख प्लेसमेंट वाले कॉलेज दे रहे हैं। तो कहते हैं तो मच बाबा ऊपरी का जाकर।